बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न रेडी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किसका उपयोग प्रायः स्कूल पोशाक के भाग के रूप में बालों को बांधने के लिए किया जाता है? Which of these is often used to tie the hair as part of a school uniform? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने, ए बेल्ट, बी फीता रिबन, सी बटन, या डी जूते का लेस यानी कि शू लेस। समय समाप्त हो गया, सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी रिबन, फीता, फीता होता है जिससे बांध दिया जाता है बाल। ओके, अब देखते हैं बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया सही। सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? नौमन हाशमी जी का 0.77 सेकंड। ऑलराइट, वेल डन। अब लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड पे हाशमी जी पहुंच गए नंबर वन स्थान पर। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। आमतौर पर इनमें से किसका विस्तार सबसे बड़ा होता है? यूजुअली विच ऑफ दीज इज द लार्जेस्ट इन एक्सपेंस। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने, ए गांव, बी शहर, सी राज्य, या डी साम्राज्य। विलेज, सिटी, किंगडम और एन एम्पायर। समय समाप्त, सही उत्तर डी एम्पायर। साम्राज्य जो है वो सबसे बड़ा होता है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। केवल दो ने सही जवाब दिया है, कार्तिक ने और मान्या ने, और सबसे कम समय लगा है मान्या चमोली का। ऑलराइट, 2.80 सेकंड्स, वेल डन मान्या। तो नौमन हाशमी जी नंबर वन स्थान पे थे और मान्या जी पहुंच गए नंबर वन स्थान पर। ओके, अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। दक्षिण भारत में संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? कंपोज्ड इन साउथ इंडिया, इन विच लैंग्वेज इज संगम लिटरेचर? और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने, ए भोजपुरी, बी कन्नड़, सी मराठी, डी तमिल। कंपोज्ड इन साउथ इंडिया, इन विच लैंग्वेज इज संगम लिटरेचर। समय समाप्त हो गया, सही उत्तर देखें क्या होता है। डी तमिल होता है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने जवाब दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय मान्या, 1.06 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे मान्या प्रथम स्थान पर थी और मान्या जीत गई। हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी नहीं तो। 1, 2, 3 ओके, नो मोर क्राइंग। तालियां बज रहे हैं सब इनके लिए। नहीं नहीं, आ गए अभी, देखिए इसीलिए तो आ गए हम, है कि नहीं? नाउ डोंट क्राई एनीमोर। ओके 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 ओके, बस ठीक है। यस, लेट मी सी योर फेस, यू हैव टू स्माइल। यस, यहाँ जो पहुँच दिया ये मुझे दे दीजिए। इसको पहन लीजिए आप। थैंक यू सर। ओके, आर यू राइट? यस सर। मान्या चमोली जी ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं, मोहाली पंजाब से आई हैं, तो कंपेनियन के रूप में आपकी माता जी आई हुई हैं और आपके पिताश्री आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। ऑलराइट मान्या, इतना जान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट में हैं, ठीक है? तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं देवेंद्र सज्जन इनके साथ। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। ओके, चलिए मान्या खेल को प्रारंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाएं इनके लिए। ओके मान्या, पहला प्रश्न, 1000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। यदि आपको प्रदर्शित पुरानी कलाकृतियां देखनी है तो आपको इनमें से किस जगह जाना होगा? विच ऑफ दीज प्लेसेस
would you go to if you wanted to look at artifacts from the past on display? Yes. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, रेस्टोरेंट, बी मूवी थिएटर, सी म्यूजियम या डी रेलवे स्टेशन। रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, संग्रहालय या रेलवे स्टेशन? सर प्लीज लॉक सी म्यूजियम। सी म्यूजियम पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, दूसरा प्रश्न ये है 2000 पॉइंट्स का। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिस देश की राजधानी हेलसिंकी है उस देश के नाम में मछली के शरीर के किस भाग का अंग्रेजी नाम आता है? The English name of which part of a fish's body appears in the name of the country whose capital is Helsinki? Yes. ऑप्शन सुनिए। ए गिल, बी फिन, सी स्केल, डी आई। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी फिन। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, सो प्लीज लॉक बी फिन। लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। और सारी कहानी भी आपने बता दी। अब गई है क्या वहाँ पर? नहीं सर, मैं नहीं गई हूँ। आपको जाना चाहिए अच्छे से। मैं अब्रॉड नहीं गई हूँ कभी, तो अमाउंट जीतूंगी उससे वर्ल्ड टूर। ओके, ढेर सारे पैसे आप जीत जाइएगा तो फिनलैंड जाइए। यस सर। ओके, कुछ ही महीने पहले पूरी दुनिया जो थी वो पैंडेमिक की चपेट में वो आ गई थी और अपने अपने कमरों में कैद हो गई थी। कारोबार बंद हो गए थे, सैनिटाइजर की नदियां बहने लगी थी, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। इस पैंडेमिक से सभी लोग परेशान थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़े बहुत खुश भी थे, और वो थे बच्चे। चेहरे पे स्माइल आ गई इनके। बच्चों ने पैंडेमिक में भी खुश रहने का एक तरीका निकाल ही लिया। न स्कूल जाने का टेंशन रहा, न एग्जाम्स का डर, बस बच्चे पूरे दिन खेलते ही रहते थे, मन चाहे खाने की फरमाइश करते रहते थे और जब चाहे सोते जागते थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और यहाँ भी जितने बच्चे हैं, भले ही इस पैंडेमिक ने आपकी टेंशन को थोड़ा बहुत कम कर दिया हो, लेकिन ऐसा ही एक पैंडेमिक था जिसने आपके सिलेबस में बढ़ावा कर दिया था। 1665 में एक ब्यूबोनिक प्लेग आया। Yes. उस वक्त भी लोगों ने खुद को आइसोलेट कर लिया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, स्कूल कॉलेज ऑफिसेज वगैरह सब बंद हो गए। इसकी वजह से हुआ ये कि मशहूर साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन को भी कॉलेज में नहीं बल्कि अपने फार्म हाउस पर जाना पड़ा और वहां वो एक छोटे से लकड़ी के कमरे में रहने लगे। उस कमरे में वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्चेस वगैरह करते रहते थे। एक दिन कुछ सोचने के लिए वो बाहर बागीचे में जा करके बैठ गए, और जब वो बाहर बागीचे में बैठे थे तो आपको पता है क्या हुआ? ऐसा माना जाता है कि उनके सिर पर एक ऐतिहासिक सेब गिरा, एक एप्पल। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि उस सेब के गिरने के बाद ही न्यूटन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण दिया। अच्छा इतना ही नहीं, उसी पैंडेमिक में न्यूटन भाई साहब जो थे, जब अपने कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि खिड़की से आती हुई रोशनी एक प्रिज्म से टकरा करके 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो रही है, और वो देखकर न्यूटन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट दिया। ये महत्वपूर्ण आविष्कार विश्व को न्यूटन साहब ही की देन थी उस पैंडेमिक के दौरान। तो एक पैंडेमिक ने दो सबसे बड़ी थ्योरीज ही नहीं अनगिनत न्यूटन्स को भी जन्म दे दिया। और मैं आशा करता हूं कि हमारे देश में भी इसी तरह अनगिनत न्यूटन्स पैदा होते रहें और नए नए खोज करते रहें। बस इस बार यही प्रार्थना कि कोई पैंडेमिक ना हो। ऑलराइट, देवेंद्र संजोग, आइए मिलते हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट मान्या चमोली जी से। मान्या जी जो हैं ये बिना किसी लाइफलाइन के सहायता के 2000 पॉइंट्स जीत गई थी। Yes. जब इनके साथ हमने कल खेल शुरू किया था और जैसे ही आई हुटर बज गया तो खेल को समाप्त करना पड़ा और आज आपके साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको मान्या जी। मान्या, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, लेकिन क्योंकि आज एक नया दिन है इसलिए आज की जो एक्सपर्ट है उनके बारे में आपको बता दें। हमारी आज की जो एक्सपर्ट है देवियों सज्जनों, उनका नाम है नताशा शर्मा। ये एक जानी मानी ऑथर हैं और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी
रोचक किताबें भी लिखी हुई है। नताशा शर्मा जी, प्रणाम करता हूँ नताशा जी। और नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू, मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं नताशा जी। तो यदि समय मिलने पर इन्होंने एक्सपर्ट लाइफलाइन को बढ़ावा दिया तो आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर जोरदार तालियां नताशा शर्मा जी के लिए। थैंक यू, तालियां बज जाए इनके लिए। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सर प्रणाम करता हूँ, और आज आपका परिचय नहीं दिया, ये अर्चना जी इनकी माता जी हैं और डॉक्टर विनय इनके पिताजी, तालियों के साथ एक बार स्वागत हो गया इनका। ओके मान्य, बहुत बहुत बधाई आपको। जैसा कि हमने अभी बताया, दो प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 2000 रुपए आप जीत गई हैं। अब सॉरी, पॉइंट्स, गलती, 2000 पॉइंट्स जीत गए। ओके, अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न, ये है 3000 पॉइंट्स के लिए। रेडी मान्या? यस सर। ओके, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस खाद्य पदार्थ के बीच में बड़ा छेद नहीं होता है? ओके सर। ओके, यस। यूजुअली Which of these food items does not have a big hole in the middle? Yes, sir. Option dekhiye: A. Donut. B. Bagel. Ya bagel. C. Medu vada. Ya D. Pizza. Sir, donut aur medu vada mein to hota hai. Bagel, I think, koi bread hai. Bagel, medu vada, donut, D. Pizza. Sir, pizza mein nahi hota hai. Sir, please lock option D. Pizza. D pe thal lagaya jaye. बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्यों घबरा रही थी आप? आमतौर पर पिज्जा में कहाँ छेद होता है कि नहीं? सर मैं कंफ्यूज हो गई, बेगल पता नहीं कभी कंफ्यूज है। सब डोनट में होता है, मेदू वड़ा गोल होता है। मेदू वड़ा खाया आपने कभी? यस सर। हाँ, अभी नाश्ते बहुत ही स्वादिष्ट होता है, खूबसूरत चटनी के साथ उसको खाते हैं, है ना? ऑलराइट, खाना वाना पकाना जानते हैं कि नहीं आप? यस सर, थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत, दो तीन चीजें। जैसे कि? सर जैसे कि मतलब मैं गेस, आपको गेस करना पड़ेगा, मैं बोलूंगी। यानी बनाएंगी आप, गेस करें हम कि क्या है? सर मैं नाम बोलूंगी, आपको गेस करना पड़ेगा वो कौन सी डिश है। काम हमारा है प्रश्न डालने का, उल्टा आ रहा है इधर। हाँ जी बोलिए। फ्राइड सिजल्ड अनियंस इन इंडियन स्पाइसेस मिक्स्ड अलोंग विद फ्लैटेंड राइस फ्लेक्स एंड गार्निश्ड विद ग्राउंडनट्स, कोरिएंडर एंड अ स्क्वीज ऑफ लेमन। हाँ अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। सर आपको गेस करना है। क्या रे मान्या, आधे से ज्यादा जितने शब्द बोलने उनका हमको माने ही नहीं मालूम है, तो कैसे बताएंगे? बहुत इजी है, इंडियन स्पाइसेस किसमें होते हैं सर? फ्लैटेंड राइस फ्लेक्स। बता दो यार, कुछ बता। पोहा, पोहा। यस यस सर, थैंक यू मैडम। मानिया कितना कम नॉलेज है हमको खाने पीने के बारे में। और मानिया खाने पीने की चीजों के बारे में छोड़ दीजिए, चौथा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। ओके yes, और इसके लिए मिलेंगे 5000 पॉइंट्स। यस सर। रेडी मानिया? यस सर। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑलराइट मानिया, ये जो है एक हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, इमेज प्रश्न है। ऑलराइट यस सर। इस छड़ी का उपयोग किस खेल के आइस वर्जन को खेलने के लिए किया जाता है? This stick is used to play the ice version of which sport? ये इमेज प्रश्न है और देखते हैं इमेज कौन सी है। ये देख लिया? Yes, sir. All right. Options देखिए। A. Cricket. B. Hockey. C. Badminton. या D. Volleyball. लेकिन बर्फीले देशों में आइस हॉकी भी खेली जाती है, वहां अभी तक नहीं हुआ। गुड आंसर, थैंक यू। ऑलराइट मानिया, आ गया है खेल का पहला पड़ाव। ओके, पांचवा प्रश्न आ गया है, 10000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए आपको। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ऑक्टोपस में ऑक्टो किस संख्या को दर्शाता है? यस। द ऑक्टो इन ऑक्टोपस रिफर्स टू व्हाट नंबर? यस।
एंड योर ऑप्शंस आर ए 6, बी 7, सी 8, डी 9. 6, 7, 8 या 9. सर ऑक्टोपस के 8 टेंटिकल्स होते हैं. ऑक्टोपस. सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी 8. सी पे थोड़ा लगा जाए. वेल डन मान्या इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही कहा आपने. जानना जी की बातें आप ही कर रही हैं. ऑक्टोपस के 8 लिम्स होते हैं और नाम का अर्थ होता है ऑक्टो यानी 8 और पस पैर को दर्शाता है. ओके तो इन्होंने पहले पहाड़ को पार कर लिया है देवियों संजो. और इसी के साथ इनके लिए एक गुड न्यूज़ है. इनका सुपर पावर जो है यानी ज्ञानास्त्र जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट. ओके हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि हमारी जनता को और यहाँ की जनता को आपका रिपोर्ट कार्ड दिखा देना चाहिए. यस सर. दिखा दें कि नहीं? यस सर. अच्छी बातें लिखी हैं कि नहीं? यस सर. ऑलराइट रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाए. ताली बज जाए इनकी रिपोर्ट कार्ड के लिए. तो इनका नाम आ गया है मान्या चमोली. 11 वर्ष की हैं और इनके आगे इनका पेट नेम दिया ही नहीं है. है बताया नहीं मैंने. आपने बताया नहीं क्यों? अच्छा ऐसे ही कहता कि आप लोग आपको चिढ़ाए. नहीं सर कुकी नाम है मेरा. कुकी? यस सर. ऑलराइट कुकी जी. यस सर. व्हाट डू यू कुक? शी लाइक्स कुकिंग इसीलिए उनका नाम कुकी पड़ा. कुकिंग डॉग्स एंड रीडिंग बुक्स. ओके कुत्ते बहुत पसंद हैं आपको? पेट डॉग्स पसंद है सर. बहुत पसंद है. बहुत पसंद. अच्छा इतने ज्यादा पसंद है. यस सर. बहुत से लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं आज इस खेल के बाद. डिसलाइक्स होमवर्क एंड स्टडिंग ये जितने भी सर. नहीं होमवर्क एंड स्टडिंग नहीं. पढ़ना तो बहुत पसंद है मेरे को सर. लेकिन जो लोग छुट्टियों के वक्त भी बोलते हैं ना पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले वो पसंद नहीं है सर. छुट्टियों के छुट्टियां मजे करने के लिए होती है सर. सर आप बताओ छुट्टियां मजे करने के लिए होती है ना? अच्छा नहीं मैं आपको बता दूं एक बात. ये बात आपने मम्मी पापा को अकेले में कहीं बताया होगा. अब जो आपने कह दिया है ना वो दुनिया भर ने सुन लिया है. उनकी हालत अब खराब हो गई है. इतना बता दे हम आपको दैट इज द गुड साइन. वेल डन. ऑलराइट अचीवमेंट्स क्या है? ओह गॉश गोल्ड मेडल इन जीके ओलंपियाड. यस सर. एंड द फर्स्ट प्राइज इन इंटर स्कूल एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन. दिस इज टू गुड. और पेरेंट्स के रिमार्क में लिखा है घर की दादी अम्मा. अर्चना जी ये इनका नामकरण जो है घर की दादी अम्मा किसने दिया? आपने दिया? सब मिलके ही दिया है बिकॉज जिस तरीके से वो बात करती है समझाती है हमें लगता है हमसे ज्यादा उसे पता है चीजों के बारे में. नहीं आजकल के बच्चे सब ऐसे ही हैं. सब सर. जितने भी यहाँ पर कंटेस्टेंट्स आए हैं सब कुछ हमको सिखा करके गए हैं. हमारे ज्ञाननाथ जी को कुछ पता नहीं था सब वहीं से पता चला हमें. तो कोई एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए. इसको पूछे बिना आप तैयार नहीं हो सकते. आपकी ड्रेस मैं सेलेक्ट करूंगी. आप कोई फंक्शन में जाएंगे तो आस्क मी पहले आपको क्या पहनना है. हम कोऑर्डिनेट करेंगे अपने कलर्स उसके बाद हम जाएंगे. तो इनका अप्रूवल होना बहुत जरूरी है. इनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश बन जाता है. बुरा मत मानिएगा मैडम मैं आपको बता दूं हर महिला की यही आदत है. ऑलराइट तो पहला पड़ाव जो है वो पार हो गया है. yes. अब यहाँ से 60 सेकंड जैसे कि आप yes. दादी माँ एकदम पता है उनको कि हमको क्या बोलना है. 60 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए. yes. छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स. 60 सेकंड मिलेंगे उसके लिए. yes, उत्तर देने में आपकी स्क्रीन के ऊपर मान्या ये रहा. मान्या ये एक और इमेज प्रश्न आ गया है. yes. इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर किस महत्वपूर्ण घटना को दर्शाया गया है? ओके सर. व्हाट इंपॉर्टेंट इवेंट इज डिपिक्टेड ऑन दिस बुक कवर ऑन द कवर ऑफ दिस बुक? कैन यू सी द पिक्चर प्लीज? ओके सर. ऊपर लिखा है अ जायंट लीप और फिर ठीक है. यस सर. ए मार्स रोवर लैंडिंग, बी फर्स्ट मून लैंडिंग, सी लॉन्च ऑफ हबल टेलीस्कोप,
ये डी डिस्कवरी ऑफ नेपच्यून, मार्स रोवर का लैंडिंग, पहली बार चांद पर उतरना, हबल टेलीस्कोप का प्रक्षेपण या नेपच्यून की खोज। सर ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन थे जो मून पे आए थे, उन्होंने कहा था जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। सर प्लीज लॉक बी फर्स्ट मून लैंडिंग। बी पे ताला लगा जाए। वेल डन मानिया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू सर। और जो ये हमको ज्ञाननाथ जी बोलने वाले थे जनता के लिए, वो आपने पहले ही बोल दिया है। जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, जुलाई 20, 1969 को अमेरिका का अपोलो 11 मिशन सफलतापूर्वक चांद पर लैंड किया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले मानव थे। उन्होंने इसके बाद सबसे पहले ये वाक्य कहा था, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। वेल डन मान्या, वेल डन। जो ये चित्र आपने अभी देखा है, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, तो इसके लिए हम उनको अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। ओके, आप तो पैदा नहीं हुई थी मान्या जब लैंडिंग हुई मून की, 1969 की बात है, और हम पैदा हो गए थे तब। यस सर। और हम शूटिंग करने जा रहे थे एक फिल्म की, जो हमारी दूसरी फिल्म थी, रेशमा और शेरा। सुनील दत्त साहब थे, वहीदा रहमान जी थी उसमें, और वो रेगिस्तान में उसकी शूटिंग हुई थी। और हम लोग जब रोड से जा रहे थे, तभी रेडियो पे एक खबर आई कि मून लैंडिंग हो गई है। यस सर। तो हमारे साथ एक लेखक बैठे थे, ऐसे ही उन्होंने कहा, चांद के ऊपर जितना भी रोमांस लिखा जाता था वो अब गायब हो गया। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा सातवां प्रश्न आपके सामने। यस सर। इसके लिए मिलेंगे 40,000 पॉइंट्स। रेडी मान्या? यस सर। सेवेंथ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हियर इट इज। इनमें से क्या हिमालय की एक चोटी नहीं है? राइट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पीक इन द हिमालयस? ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट, या डी गुरु शिखर। सर नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट तो सुना है, गुरु शिखर तो नहीं आया, सुना नहीं मतलब अभी। सर गुरु शिखर लग रहा है मेरे को। क्या कीजिएगा? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? शांत हो जाइए। कौन सी लेंगी? ऑडियंस। ऑडियंस पोल। उसको अंकित कर दिया जाए। कंपीर जी, ऑडियंस मदद कीजिए मान्या की। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिएगा। रेडी? और आपका समय शुरू होता है अब। डी 79%। सर प्लीज लॉक डी गुरु शिखर। डी पे ताला लगाया जाए। यस द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल डन मान्या। एलिमिनेट तो कर दिया था आपने तीनों को। सर और कितना एलिमिनेशन चाहिए था? हमने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बाकी बचा चौथा वही होगा और क्या है कि नहीं? यस सर। ऑलराइट, गुरु शिखर जो है Yes, वो राजस्थान में अरावली रेंज की एक चोटी है। okay. गुरु शिखर, और बाकी yes, तीनों जो हैं जैसा कि आपने कहा yes, सबके सब हिमालय की चोटियां हैं। सर ये हॉट सीट है सर, डर लगता है। नहीं ये देखिए, इसको ब्लेम मत कीजिए। सब लोग आकर के यही बोलते हैं, अरे सर ये गर्म कुर्सी पे जब से आकर के बैठे हैं तब से हालत खराब है। कुछ नहीं खराब है, बढ़िया है एकदम। ओके अब आगे चलते हैं और आएगा एट्थ क्वेश्चन। ऑलराइट, एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, तीन अभी भी बहुत ही बड़ी बड़ी लाइफलाइन जीवित है। आठवां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इस क्रम में अगला व्यक्ति कौन आएगा? ये एक हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। Who comes next in this sequence? इस तस्वीर में दो चीजें आएंगी और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आएगा। उस क्वेश्चन मार्क को भरना होगा। तो तस्वीर दिखाई जाए। ओके सर।
अगर पहचान लिया तो अपने पास ही रखिएगा क्योंकि अब पहले ऑप्शन दूंगा मैं आपको। जानकारी तो आपको है ही क्योंकि आप दादी अम्मा हैं। ऑलराइट, ऑप्शन सुनिए। ए भगवंत मान, बी राजेंद्र कौर भट्टल, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह या डी प्रकाश सिंह बादल। सब पहले है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो पंजाब के सीएम थे पहले, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी जी की पिक्चर है, अभी हाल फिलहाल में बने हैं ए भगवंत मान। सो सब प्लीज लॉक ऑप्शन ए भगवंत मान। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जवाब दे दिया आपने। वेल डन मान्या। थैंक यू सर। ये क्रम जो है पंजाब के मुख्यमंत्रियों का है। yes. है ना? Yes. और जैसे कि आप कह रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद बने चरणजीत चन्नी और मुख्यमंत्री बने, और उनके बाद भगवंत मान ने पदभार संभाला हुआ है। yes. हाल फिलहाल आपने कहा। yes, sir. कितना अच्छा लगता है आपके मुंह से जब ऐसी बातें सुनते। मान्या, जो आपकी रिपोर्ट कार्ड आई थी ना, उसमें लिखा था कि यू लाइक डॉग्स। तो घर में तो आपके पेट होगा? नहीं सर, एक्चुअली हम फ्लैट में रहते हैं, सो मम्मी को भी बहुत डॉग्स पसंद है, सो वो कहते हैं कि अपार्टमेंट में डॉग रखना थोड़ा मुश्किल होता है, उनको जगह चाहिए होती है रोमिंग के लिए। तो मैं चाहती हूँ केबीसी की जो खेल में जितनी धनराशि जीतूँ उससे एक बड़ा घर लूँ और 3 डॉग रखूँ, हम तीनों के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता हुआ। बड़ा घर लेंगी ये केवल इसलिए कि ये 3 कुत्ते पाल सकें और उन तीनों का जो चरित्र है वो इन तीनों जो व्यक्ति उस घर में रहने वाले उनसे मिलता जुलता हो। तो हमको सबसे पहले तो ये बताइए कि अब आप इमेजिन कर लीजिए कि आपको बड़ा घर मिल गया। yes, sir. 3 जो आप कुत्ते पालने वाले हैं उनका ब्रीड बताइए। yes, sir. और ये किन के लिए है परिवार में ये भी बताइए। सर मैं अपने लिए बीगल रखूंगी क्योंकि बीगल बहुत एनर्जेटिक होते हैं सर, बहुत ज्यादा हार्ट फॉर्मिंग होते हैं बहुत, एंड बहुत ही ज्यादा प्लेफुल होते हैं सर, जैसा कि मैं। सो अपने लिए बीगल। ओके। पापा बहुत शांत रहते हैं, बहुत क्यूट भी हैं, इसलिए पापा के लिए रखूंगी एक लैब्राडोर। एक लैब्राडोर? यस। हाँ, बड़ा शांत कुत्ता होता है, बहुत ओबीडिएंट कुत्ता होता है। यस, पापा की तरह बिल्कुल शांत। और तीसरा कुत्ता? मम्मी, सो मम्मी रहने दो, डांटेगी मम्मी। मम्मी डांटिएगा मत प्लीज, ये क्यों यहाँ बोल दीजिए। रॉटवाइलर। रॉटवाइलर जितने भी जनता ना जानते हो, बहुत ही खतरनाक कुत्ता होता है। बिना देखे काटने दौड़ जाएगा आपको और इधर उधर कहीं जाता नहीं, एकदम खतरनाक भौंकता है हर जगह जाकर के। सो मम्मी भी बहुत अर्जुना जी, माफी चाहता हूँ मैं और इनकी तरफ से भी माफी मांग लेता हूँ आपको। सॉरी मम्मी। अच्छा, आपको ये सोचा कि ये रॉटवाइलर क्यों होना चाहिए? मम्मी ना बहुत डांटती है, मैंने जैसे स्कूल से आई मैंने जूते शूराग में रखे तब गुस्सा करने लग जाएंगी, बैग पैक नहीं किया सुबह के लिए तब गुस्सा करने लग जाएंगी। सर गुस्सा करने की चीज है, बोलो ना उनको। सुन लिया आपने मम्मी, चढ़ जाइए, मम्मी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर डिसिप्लिन तो सिखाना पड़ेगा ना, थिंग्स शुड बी केप्ट जहाँ पर उनकी जगह है, सही वहीं रखना चाहिए। तो इस एज में नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी, और रिपीटेड टाइम्स बोलने के बाद भी जब नहीं मानती तब थोड़ा वॉल्केनो फूटता है। आपने कहा इस एज में नहीं सीखेंगी तो कब सीखेंगी? जी सर, जब आपकी तरह हो जाएंगी सीख जाएंगी। ऑलराइट, ओके, हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सही जवाब दीजिएगा। यस सर। कि अगर आपको चूज करना हो मेरे लिए कोई एक ब्रीड। सर साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की। सर बहुत ओबीडिएंट होते हैं वो, आप बहुत ओबीडिएंट हो, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है सर, आप भी तो इतने बड़े हो सर, आपके दोस्त लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं। सर एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट, उनको सर्दी बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है सर? हम नहीं बताएंगे। सर मैंने सुना आपके पास भी शौनक नाम का एक डॉग था। काफी थे पर वो जब उनका देहांत हो जाता है ना सर बहुत बुरा तो लगता बहुत है, दुख होता है। अब घर में जया कह रहे हैं कि भैया आप कुत्ता मत पालो क्योंकि वो दुख नहीं देखा जाता। सर, दुख होता है सर। और हमारे यहाँ जितने भी
पालतू जितने हमने डॉग्स रखे थे और जो कि मर गए, फिर उन्हें हम अपने ही लॉन में उनको गाड़ते और गाड़ने के बाद वहाँ पर एक प्लांट लगाते हैं, ट्री लगाते हैं कि यहाँ पर होता है। सब कौन सी ब्रीड थी शोना? तो बहुत से थे, एल्सेशियंस थे, लेकिन सबसे जो कि इससे मिलता जुलता है एक सेंट बर्नार्ड था। ओके। जो बर्फ में जाता है और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ कितनी गर्मी होती है, यस सर। तो उसके लिए बर्फ के ढेले के ऊपर रखना पड़ता था उसको, घर में उसी के ऊपर पड़ा रहता था। ऑलराइट, बहुत सारी बातें हो गई हैं डॉग्स के बारे में। यस। अब आ जाए ध्यान खेलों के ऊपर। यस। अब आएगा नवा प्रश्न। यस। रेडी मान्या? यस सर। इसके लिए मिलेगी 160,000 पॉइंट्स। नवा प्रश्न, 160,000 पॉइंट्स मान्या। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आए। 100 मंडल के किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, जिस ग्रह का नाम एक रोमन देवी के नाम पर है? Which planet of the solar system named after a Roman goddess does not have any moons? Option सुनिए, A Neptune, B Mercury, C Jupiter या D Venus। हिंदी में बताता हूं, वरुण, बुध, बृहस्पति या शुक्र। मैंने सुना है वीनस कोई रोमन गॉडेस थी, मर्क्यूरी तो मेटल होता है, नेपच्यून जुपिटर। मैं वही सोच रही हूँ वीनस का कोई होता है। वीनस और नेपच्यून में डाउट है सर, 50-50। ये जो दो गलत ऑप्शंस हैं ये मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। सर प्लीज लॉक दी वीनस। डी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वेल प्लेड मान्या। और आपने एक बार फिर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आप पहुंच गई थी वीनस के ऊपर। सर मैं पहले भी तो ऐसा हुआ था सर, डर गई पर कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट आ जाता है। यस सर। एकदम सही था, दोनों लाइफलाइन आपकी बच सकती थी। मैं अनडिसाइसिव हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपके रिपोर्ट कार्ड में नहीं था कि आप अनडिसाइडेड हैं, केवल ये कहा था कि आप दादी अम्मा हैं। मर्क्यूरी और वीनस जो है वो दोनों के चंद्रमा नहीं है, लेकिन मर्क्यूरी का नाम गॉडेस के नहीं एक मेटल गॉड के नाम पर है। अच्छा, गॉड के नाम मर्क्यूरी। ओके, ऑलराइट ऑलराइट मान्या, बहुत सुंदर तरीके से खेल रही है। अभी भी दो बहुत ही अच्छी अच्छी लाइफलाइंस बाकी बची हुई हैं, बिल्कुल घबराइएगा। लेकिन अब आ रहा है अगला प्रश्न, जो कि खेल का दूसरा पड़ाव, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ओके, और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। Alright, Manya. Yes, sir. आ रहा है दसवा प्रश्न। Ready? Yes, sir. 3,20,000 पॉइंट्स, दसवा प्रश्न, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। मानव शरीर के किस अंग का वैज्ञानिक नाम एनसेफेलॉन है? Okay. The encephalon is the scientific name for which organ of the human body? समझ गए प्रश्न को? अब ऑप्शन रखता हूं। A लिवर, B ब्रेन, C हार्ट या D स्प्लीन। यकृत, मस्तिष्क, हृदय या प्लीहा। सर D का हिंदी क्या है? अच्छा, प्लीहा। प्लीहा। सर हार्ट और ब्रेन तो नहीं है, हार्ट कार्डियो है, ब्रेन न्यूरो से कुछ होगा जो। स्प्लीन मैंने नहीं सुना क्या होता है, मे बी वो हो। और अगर कष्ट हो रहा हो तो आपके पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफ लाइन है। यस। सर लाइफ लाइन शांत हो जाइए। दो लाइफ लाइन है, एक तो है वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट और चौथी है ज्ञानास्त्र। कौन सी? ज्ञानास्त्र। ओके, आपको मालूम है कि ज्ञानास्त्र लेने से क्या होता है, प्रश्न बदल जाता है। ओके,
कमेटी महाशय, ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए। लाइफलाइन जो है वो अंकित हो गई मान्य। यस सर। लेकिन उस लाइफलाइन को इस्तेमाल करने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा हमारी जनता को। किसी एक को गेस कीजिए। सर स्प्लीन। स्प्लीन? यस। ऑलराइट। डी पता लगा जाए। नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है ब्रेन। एनसेफेलॉन। एनसेफेलॉन ग्रीक शब्द एंकेफेलोस से आया है, जिसका अर्थ है कुछ ऐसा जो सिर के भीतर होता है। आपने एनसेफेलाइटिस के बारे में सुना होगा, जो अधिकतर कम उम्र के व्यक्तियों को होने वाला एक रोग है। इसमें ब्रेन इन्फ्लेमेशन एक प्रमुख लक्षण है। यस सर। ऑलराइट। तो देवी सर, जो इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट कर लिया है और इनका ज्ञानास्त्र है एंटरटेनमेंट। ये देखिए आ गया है कि नहीं? यस सर। ऑलराइट। लेकिन एंटरटेनमेंट का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब ये सुपर मंत्र आपको बोलना पड़ेगा, तभी ये प्रश्न आपके सामने आएगा। और वो क्या है वो मंत्र? अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम भ्रम। इनमें से किस अभिनेत्री ने एक फिल्म में एक ओलंपिक पदक विजेता की भूमिका निभाई है? Which of these actors has portrayed an Olympic medalist in a movie? All right? Yes, sir. Options rakhta hoon aapke samne. A. Katrina Kaif. B. Priyanka Chopra. C. Tapsi Pannu. D. Anushka Sharma. सर बी प्रियंका चोपड़ा। इनकी मूवी आई थी मैरी कॉम सर, वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं बॉक्सिंग में। बी प्रियंका चोपड़ा। बी पे ताला लगा जाए। वेल डन मनिया। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रियंका चोपड़ा ने बॉक्सर एमसी मैरी कॉम की भूमिका जो है 2014 की मैरी कॉम नामक एक फिल्म में निभाई है। मैरी कॉम ने 2012 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज पदक जो था वो जीता था। Yes, sir. 3,20,000 pounds। और ये आ गया चेक एक आपके नाम। तालियां बजाएं इनके लिए। 3,20,000 pounds का चेक। All blind mania। Alright। Mania, 3,20,000 pounds जीत ले आपने। Yes, sir। और जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगी yes. तब ये पॉइंट्स जो हैं ये धनराशि में बदल जाएंगे। यस सर। हम तो चाहते हैं कि और भी जीतें आप, ताकि yes, आप के अकाउंट में ढेर सारी धनराशि आए। यस yes, एक तो ये है कि ये डीजे बाबू शांत हो गए। थैंकफुली यू हैव ऑल द टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। ओके। और यहाँ पर हमारा जो तिलिस्मित जोरी है, जैकपॉट प्रश्न, 17वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाएगा। ये हो गया एक्टिवेट 7.5 crores का। इसी के साथ एक और द्वार खुल जाता है 15वें प्रश्न पर, जो कि है 75 lakh points का, और इसका नाम है धन अमृत पड़ाव। ये एक पड़ाव है, यानी अगर आपने उसको पार कर लिया तो मिनिमम आप 75 lakh points अवश्य जीत जाएंगे। ये हमारी सोनी की एक टीम गई थी। यस सर। और उन्होंने एक वीडियो बनाया आपके ऊपर। यस सर। कि आपके जीवन में आपके सपने क्या हैं और आपकी मंजिल क्या होनी चाहिए, आपने ऐसा सोचा है? यस सर। वो वीडियो जो है उन्होंने बनाया, और हम चाहते हैं कि हमारी आज की जनता और जो देख रही जनता yes, sir. वो सब उस वीडियो को देखे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? हम हमेशा अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोलते हैं, हमारा ये राइट है वो राइट है, लेकिन हम कभी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं सोचते। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत नहीं। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, जब तक हम बड़ा स्टेप नहीं लेंगे, तब तक हमारी कंट्री आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। कुछ महीनों पहले मैंने अपने चाचू की POP अटेंड की थी, पासिंग आउट परेड इन आर्मी। वो POP देख के मेरे को बहुत जोश आया, एंड फिर मेरा मैंने ड्रीम कर लिया कि मेरे को डिफेंस में जाना है, आर्मी ऑफिसर ही बनना है। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है। बहुत बार पूछा है कि कैसी कैसी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो मेरे को लाइक बहुत डिटेल में बताते हैं कैसे आप अर्ली एज से शुरू कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। मम्मी पापा को भी बचपन से आर्मी में जाना था, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस कुडंट गो।
वो जो हमारा एक ड्रीम था वो इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ और हम दोनों कोशिश करेंगे कि हम जितना भी उसको फिजिकली मेंटली इमोशनली तैयार कर सकें। रुके वो काफी, रुके ना तू तो टोके वो काफी, झुके जरा भी, रुकेगी ना पर इनकलाबी, मन है राजी, डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी। तो अगर मैं आर्मी या डिफेंस में नहीं जा पाती हूँ, सो आई वॉन्ट टू बिकम अ सोशल वर्कर। मेरी फ्रेंड ने एक बार मेरे को कहा था, जब वो अब्रॉड से आई थी, वहाँ जैम्स नहीं होते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होता है। शी एंडेड द सेंटेंस लाइक, हमारी कंट्री में ऐसा कभी हो नहीं सकता। सो आई वाज शॉक्ड बाय इट। हमेशा मैंने बड़ों से ही सुना था ये कि हमारी कंट्री में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब जब आगे आने वाली जनरेशन ऐसा बोल रही है, अब लाइक खल रहा है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे सिवा कौन करेगा। KBC एक ऐसा मंच है जिसपे मैं कैंपेन शुरू करना चाहती हूँ, ताकि मेरे जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि वी हैव टू ड्राइव इन द चेंज। आई वॉन्ट टू एंड अप ऑल द सोशल बैरियर्स एंड मैं अपनी इंडिया को प्रोग्रेसिव बनाना चाहती हूँ। मानिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कैसे कर लेती है, ये हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है। हम इस उम्र में आकर के भी इस तरह से नहीं सोचते, और आप 11 वर्ष के हैं, कितना सुंदर उदाहरण है आप हमारे देश के लिए। वेल डन मानिया, वेल डन। क्या एक चीज जो हमने आपके मुंह से आज सुनी, वो हम पहली बार सुन रहे हैं, और कितनी सटीक है वो बात कि जब कभी भी हम देखते हैं, कोई खबर देखते हैं, किसी बयान देखते, कहीं हड़ताल हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, ये एक सेंटेंस बार बार आता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट हमको दो। कितनी सुंदर बात आपने कही कि सब लोग अपने फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, लेकिन कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं करता। सच अ ब्यूटीफुल थॉट कमिंग फ्रॉम एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल, दैट्स अनबिलीवेबल। वेल डन मान्या, वेल डन, गॉड ब्लेस यू। ओके मान्या, अब आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। ऑलराइट, देश का भविष्य जो है आप ही लोगों से बनने वाला है, खेल का भविष्य जो है अब आपके हाथ में है। यस सर। रेडी? यस सर। एक लाइफलाइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है, वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट, यस। 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स, लीस्ट रिस्क वाला होता है, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विक्टोरिया मेमोरियल किसकी स्मृति में बनाया गया था? Yes. Whose memory was the Victoria Memorial built in? Yes. Options A, a nun, B, a queen, C, a president, or D, a prime minister. एक नन, एक रानी, एक राष्ट्रपति या एक प्रधानमंत्री। सर विक्टोरिया मेमोरियल, आई थिंक जब इंडिया कुछ तो क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड है, ये उनकी मेमोरी में मनाया था समथिंग, लेकिन विक्टोरिया मैंने पढ़ा है, सो प्लीज लॉक बी, अ क्वीन। बी पे ताला लगाया जाए, ए क्वीन। क्यों आपको लगा कि ये होना चाहिए? सर विक्टोरिया क्वीन थी, और आई थिंक जब वो इंडिया पे उन्होंने किया था तो सब खुश थे, तो उन्होंने उनके लिए एक मेमोरियल बनाया था। विक्टोरिया 1 थी 2 थी ये तो नहीं पता, बट क्वीन था। आपको मालूम है कि ये विक्टोरिया मेमोरियल है कहाँ? सर कोलकाता। 6,40,000 पॉइंट जीत गए। क्वीन विक्टोरिया यूनाइटेड किंगडम की महारानी रही। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल उसी जगह की संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया, जहां से ताजमहल बनाया गया था। ऑलराइट मानिया, जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगे और आपके पास, मान लीजिए अभी तो 6,40 हैं, yes, और ढेर सारी धनराशि आ जाएगी, yes, वो एक प्राइज मनी होगा आपके लिए, उसका क्या कीजिएगा? सर मैं ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहला तो मैं कभी अब्रॉड नहीं गई हूँ, तो मैं वर्ल्ड टूर करूंगी अपने पेरेंट्स के साथ। दूसरा ऐसा, मेरे पापा को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, सो वो और उनके कुछ फ्रेंड्स मिलके ग्रीन श्रीखंडी को ड्राइव करते हैं, सो उसमें मैं थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहूंगी।
सर उसके बाद मैं आधा अपना पैसा थोड़ा अपना हायर एजुकेशन के लिए अपना यूज करूंगी क्योंकि मेरे को आर्मी में जाना है उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो उसमें सर और एक और पार्ट में मेरे को एक एनजीओ खुद का भी बनाना है जिसमें मैंने आपको बताया डॉग्स मेरे को बहुत पसंद है, सो स्ट्रीट डॉग्स के साथ एनिमल क्रुएलिटीज नॉट जस्ट स्ट्रीट डॉग्स और बाकी चीजों से मैं ऐश करूंगी। सारी चीजें आपने बिल्कुल सही कही है मान्या। थैंक यू सर। सब की सब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, कोई भी गलत चीज आपने नहीं कही, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही। वेल डन मान्या, बहुत अच्छे अच्छे ख्याल है आपके। ऑलराइट, चलिए खेल में आगे चलते हैं। ओके Yes, अब आएगा 12वां प्रश्न और ये है 12,50,000 पॉइंट्स के लिए, एक लाइफलाइन अभी भी जीवित। 12वां प्रश्न मान्या, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा काल्पनिक जीव स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है? विच मिथिकल क्रीचर इज द नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड? ऑप्शन सुनिए, ए ड्रैगन, बी मरमेड, सी यूनिकॉर्न, डी सेंटॉर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी यूनिकॉर्न, मैंने पढ़ा है सर ये यूनिकॉर्न वहां का नेशनल एनिमल है। सी यूनिकॉर्न। यस सर। सी पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड मान्या, इज द राइट आंसर। यूनिकॉर्न जो है, यूनिकॉर्न वो प्योरिटी इनोसेंस और पावर का प्रतीक माना जाता है। वो हॉर्स होता है जिसका एक सींग होता है। हाँ जी जी बिल्कुल। तो शिवलरी की कहानियों के कारण इसे स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। ये 800 वर्षों से स्कॉटिश रॉयल कोर्ट ऑफ आर्म्स पर चिन्हित रहा है। सर मेरे को आपकी कंप्लेंट है। कंप्लेन है आपके लिए। हमारे साथ एक कंप्लेंट है। यस सर जी। सर जब भी आप पूछते हैं आपका फेवरेट एक्टर या एक्टर कौन है, सो अगर हम किसी और का बोलते हैं तब बोल अरे देवी जी मतलब जो प्राणी आपके सामने बैठा है वो तो आपको पसंद ही नहीं है। और जब सर आपको झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा है। सुन लो सर, सुन लो, सुन लो, पूरा सुनो सर। दादी अम्मा सर पूरा बोल, अगर हम आपका नाम बोले सर आप अरे देवी जी क्या बात कर रही है हम तो अरे यार ऐसे सर फिर बोले क्या हम आपका नाम बोले ना बोले। हर चीज का जवाब है इनके पास, हर तरह का प्रश्न पूछने का इनके पास हक है। दादी अम्मा है ये। अच्छा हमने ऐसे कभी नहीं कहा जब आपने कहा कि आप आपने हमारा नाम सर, मैंने सुना है। चलो इस सीजन में नहीं बोला को आपने सुना है? यस सर मैं केबीसी देखती हूं, सुना है मैंने आपने बोला। नहीं नहीं देखा, देख कहां देखा आपने? सर मैं केबीसी देखती हूं ना। नहीं नहीं हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं सर, ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया होगा। ऑलराइट मान्या, वेल प्लेड। थैंक यू सर। अब आ गया है 25,00,000 पॉइंट का अगला प्रश्न, ये है 13वां प्रश्न। रेडी मान्या? यस सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ₹2022 फीफा विश्व कप के शुभंकर का नाम क्या है जिसका अर्थ है बहुत कुशल खिलाड़ी? With a name meaning super skilled player, what is the name of the mascot of the 2022 FIFA World Cup? Yes, sir. Options A. Leib, B. Lucel, C. Haya, ya D. Real. सर रियाल तो करेंसी है वो नहीं हो सकता, खाया बॉल थी शायद। सुपर स्किल प्लेयर, सुपर स्किल प्लेयर। एक लाइफलाइन है आपके पास अभी भी बची हुई मान्या। यस सर। वीडियो कॉल द एक्सपर्ट। यस सर। सही उत्तर अगर आपका हो गया तो आप जीतेंगे 25,00,000 पॉइंट। सर वुड टेक माय लास्ट लाइफलाइन, वीडियो कॉल द एक्सपर्ट। ज्ञाना जी अपनी आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल एंड द एक्सपर्ट, मान्या जी लेना चाह रही हैं। तो ज्ञाना जी आज के एक्सपर्ट नताशा शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए।
नताशा जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। तालियां बज जाए आपके लिए। और अब आप एक्सपर्ट के रूप में आ गए हैं, और भान्या जो है जो कि यहाँ बैठी है, और आप पता नहीं आपने इनकी बातें सुनी, एकदम बहुत ही मच्योर्ड 11 वर्ष की एक सुपुत्री है। ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और आपको बताना है विद इन 60 सेकंड्स कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो अगली आवाज होगी मान्या की। रेडी मान्या? Yes, आपका समय शुरू होता है अब। मैम, द क्वेश्चन इज विद अ नेम मीनिंग सुपर स्किल्ड प्लेयर, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ द 2022 फीफा वर्ल्ड कप? ए लाइब, बी लुसेल, सी हया या हाया, डी रियाल। ओके, इसका आंसर है ए लाइव, क्योंकि मैं इतने सारे फुटबॉल मैचेस देख रही हूँ अपने बेटे के साथ आजकल, और मैंने ओपनिंग सेरेमनी भी देखी थी, सो आई वुड गो विद ए लाइव। थैंक यू सो मच मैम। यू आर वेलकम मान्या, ऑल द बेस्ट। सो आई विल गो विद द एक्सपर्ट, ए लाइव पे ताला लगाया जाए। ए लाइव कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस, जितवा दिया उन्होंने आपको। 25 लाख का एक्सपर्ट। You can thank Natasha ji. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Natasha ji. Once again, thank you. Thank you. Natasha Sharma ji ke liye. All right. Laib ek tairta hua ghutra ya kafiye ka roop leta hai, aur ek football ko pair maarte hue dikhaya gaya hai. Wo headgear hai, jo bhi mascot hai, uska headgear jo hai, wo ghutra ya usko kafiye kehte hain. Okay. Jab bhi aap mascot ko dekhenge, agar aap फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है कतर में। ओके, अब बहुत ध्यान से खेलना होगा। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। ओके, और आ रहा है 50 लाख पॉइंट्स का प्रश्न। दिस इज द 14th क्वेश्चन। अगर आपको उत्तर एकदम सही मालूम हो तो ही खेलिएगा, हम कहेंगे। ना मालूम हो आप क्विट कर सकती हैं, 25 लाख पॉइंट आप जीत रही हैं। 14th क्वेश्चन, 14वां प्रश्न, 50 लाख पॉइंट स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अनीता देसाई ने किस उपन्यास के लिए गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन पुरस्कार जीता था? फॉर विच नॉवल डिड अनीता देसाई विन द गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज? ऑप्शन सुनिए। ए द विलेज बाय द सी, बी क्लियर लाइट ऑफ डे, सी फायर ऑन द माउंटेन, डी Voices in the City। सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो। सही उत्तर देंगे 50 लाख पॉइंट, गलत हो गया तो नीचे आप आ जाएंगे 3,20,000 पॉइंट। नो लाइफ लाइन, यू कैन क्विट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो कोई आइडिया नहीं है, लॉजिक भी लगाऊंगी तो ज्यादा नहीं है, सो आई वुड लाइक टू क्विट। ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है, आप क्विट करेंगे। ऑलराइट, 13 प्रश्नों का सही उत्तर देके आप 25 लाख पॉइंट जीत रहे हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 25 लाख पॉइंट ऐप द्वारा इनके जीते हुए पॉइंट्स जो हैं डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया मान्या, अकाउंट नंबर ट्रांसफर नाउ 25 लाख, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है? यस सर। मेरा मैथ्स बहुत खराब है। मेरा भी खराब है। अच्छा, 25 लाख लिखा है, ठीक है ना? यस सर। इसको कंफर्म किया आप, और ये 25 लाख पॉइंट पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में, सीधा गया आपके अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और मैं बता दूं देवियों संजो कि ये जो पॉइंट्स हैं, इनके 18 साल की उम्र होने पर इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में बदल जाएंगे। ऑलराइट, कि हमको जनता को बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी चीज को गेस कीजिए। सो बी क्लियर लाइट ऑफ द डे, बी पे ताला लगा जाए। इट वुड हैव बीन द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज द विलेज बाय द सी। अनीता देसाई को बुकर पुरस्कार के लिए 3 बार शॉर्टलिस्ट किया गया था। विलेज बाय द सी पुस्तक की कहानी मुंबई में समुद्र के पास
आधारित है। इसमें लीला और हरि नामक दो बच्चों की कहानियां हैं। yes. वो किरण देसाई की माँ है जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है। मानिए ये आपके लिए एक गुडी बैग है। और केबीसी जूनियर की ओर से एक मेडल भी आ रहा है आपके लिए। Thank you, sir.